सो हे करो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यार आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक यूजर यूट्यूबर कैसे बन सकता है हमारे यूट्यूब क्लोन के अंदर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बता दूं कि जो ये मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ ये मेरे यूट्यूब क्लोन इन चैंगो का एक पार्ट है। और पिछली वीडियो में हम यूजर साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ये हमने फंक्शनलिटी बनाई थी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक यूजर कैसे यूट्यूबर बन सकता है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ चेंजेस किए टेम्पलेट के अंदर। मैंने क्या कहते एक ये देखो तो सिंपल सा ड्रॉप ये मेन्यू बनाया है। मतलब यूजर अगर अपने क्या कहते इमेज के ऊपर अपनी उसका जो भी प्रोफाइल की इमेज है उसके ऊपर क्लिक करेगा तो यार जो मतलब उसे एक ऑप्शन आएगा बिकम अ यूट्यूबर। बिकम अ यूट्यूबर का मतलब अगर यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो एक यूट्यूबर बन जाएगा और हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे अपलोड वीडियोस वाले पेज पे। ठीक है, अगर यूजर क्या कहते हैं यूट्यूबर बनना चाहता है हम तभी उसे रिडायरेक्ट करेंगे। भाई साहब पैसे तो करेंगे नहीं, ये भी हमें पता है। और मैं एक और आगे फंक्शनलिटी हम लेके आएंगे जिसमें मतलब यूजर वो यूजर वीडियो अपलोड वाले पेज पे जा सकते हैं जो यूजर क्या कहते हैं यूट्यूबर है। ठीक है, पर इस वीडियो में हम देखते हैं कि यार ये यूजर यूट्यूबर कैसे बन सकता है। तो मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ मैं खोलूंगा व्यूज टू पीवाई फाइल। सब कुछ सही चल रहा है, मैंने अपना सर्वर रन किया हुआ है। तो मुझे एक मॉडल चाहिए होगा तो मैंने एक मॉडल बनाना है जिसका मैं नाम रखूंगा यूट्यूबर। या मैं रखूंगा क्लास यूट्यूबर्स नाम का मॉडल बनाऊंगा, यूट्यूबर नाम का रखता हूँ। ये इनहेरिट करेगा मॉडल डॉट मॉडल्स डॉट मॉडल को और इसके अंदर मैं एक फील्ड रखूंगा। क्या फील्ड रखूंगा? यूट्यूबर यूट्यूबर इज इक्वल्स टू यूट्यूबर्स इज इक्वल्स टू मॉडल स्टोर क्या कहते हैं मॉडल स्टोर। और ये होगी हमारी फॉरेन की नहीं, ये वन टू वन फील्ड होगी सॉरी, क्योंकि एक यूजर एक ही यूट्यूबर हो सकता है। और ये किसके साथ होगी? यूजर के साथ होगी। और ऑन डिलीट क्या होगी? मॉडल स्टोर कास्कर, मतलब अगर यूजर डिलीट करता अपने आप को, मतलब अपने आप को मतलब यूजर डिलीट करता है तो यार ये भी यूट्यूबर वाला मॉडल से उसका मतलब ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो मुझे यार इंपोर्ट करना होगा यार यूजर वाला मॉडल। तो यहाँ मैं ऊपर लिखूंगा सिंपली फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप कॉन्ट्रिप भाई साहब कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लो भाई साहब यूजर वाला मॉडल। और बस इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा? और यहाँ मुझे एक क्या कहते हैं वार्निंग आ रही है यूट्यूब ऐप डॉट यूट्यूब पर। तो वैसे ये मुझे वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि यार मैंने अपना जेंगो जो अपडेट किया है उसके अंदर एक नया क्या कहते हैं हमारे सेटिंग्स में एक ऑप्शन आया है डिफॉल्ट ऑटो फील्ड का। और ये मेरा जो क्या कहते हैं जेंगो का ये जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ये एक क्या कहते हैं पिछले जेंगो के वर्जन में बनाया था। तो वो भी हम आगे चल के सोल्व कर लेंगे कैसे इसे अपडेट कर लेंगे। तो अभी इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, तो ऐसे करूंगा तो मैं इसे सब को मतलब बंद कर दूंगा। अगर हम चाहें तो यार इसका मतलब नहीं हम नहीं कर सकते, मतलब अपडेट करना चाहे तो हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर हम डिप्लॉय करेंगे, अगर आप डिप्लॉय करना चाहो तो हम वही वर्जन क्या कहते हैं इंस्टॉल करेंगे अपने सर्वर पे जिस क्या कहते हैं जिस वर्जन पे हमने इसे बनाया है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ CLS और यहाँ मैं क्या करता हूँ पाइथन मैनेजर PY मेक माइग्रेशन क्या करेगा ये मुझे भी नहीं पता सीधे लोग नहीं यार मुझे पता, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेक माइग्रेशन क्या करेगा? जो भी हमारा क्या कहते हैं हमने मॉडल बनाया इसे SQL की क्वेरीज में चेंज कर देगा। उसके बाद पाइथन मैनेजर PY माइग्रेट ये क्या करेगा? ये माइग्रेट क्या करेगा मैं बताता हूँ, ये जो भी हमने SQL की क्वेरीज में इसे चेंज किया उसे एक्सिक्यूट कर देगा। पाइथन मेंटर PY रन सर्वर नाम मतलब रन सर्वर नाम का मैं कमांड चलाऊंगा जिससे क्या होगा मेरा सर्वर दोबारा रन हो जाएगा। और ये मुझे डिफॉल्ट ऑटो फील्ड वाला आ रहा है ये हम देख लेंगे। रिफ्रेश करता अपनी वेबसाइट को, कोई एरर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा व्यूज के अंदर चलता हूँ। व्यूज ने मुझे एक URL बनाना होगा, URL में एक मैं URL बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा create youtuber slash और ये चाहे की रिक्वेस्ट views.youtuber नाम के व्यूज पे। और इसका मैं नेम भी दूंगा गाइस, एक मैं दूंगा इसे यूट्यूबर नाम दिया मैंने इसे, बस मैं जो चाहता था वही हो गया। तो ये कह रहा है यूट्यूबर नाम का कोई व्यूज के अंदर कोई फंक्शन नहीं है। तो मैं सबसे नीचे आऊंगा और मैं यहाँ कमेंट करूंगा create user youtuber function और यहाँ मैं फंक्शन बनाऊंगा def youtuber और ये क्या लेगा रिक्वेस्ट क्या लेगा भाई साहब रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट में क्या करेगा सिंपली रिटर्न करेगा अभी HTTP रिस्पॉन्स जिसमें मैं लिखूंगा यूट्यूबर
भाई साहब यूट्यूब लिखता हूँ वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, यूट्यूबर क्रिएटेड। यार थोड़ी यार देखो, जब भी आप कोडिंग कर रहे हो ना भाई, ऐसे बंदे ना बनो कि यार मतलब बहुत ही बस हम इंटेलिजेंट बन के कुछ सोच सोच के करें। यार फन करो यार, मजे करो यार। मैं सीधा बताता हूँ तो यूट्यूबर मैंने लिखा है, और यहाँ पर अगर चक के मैं अपने यूएस में लिखूँ यूट्यूबर और चलूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। ओके, क्रिएट यूट्यूबर मैंने नाम दिया था, क्रिएट यूट्यूबर, और मुझे और इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया यू आई यूट्यूबर क्रिएटेड। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जो यार अपने nav.html के अंदर जाऊंगा, nav.html के अंदर ये एंकर टैग में मैं वो URL अपना दे दूंगा, उसका नाम दूंगा। तो यहाँ मैं दूंगा URL और उसका नाम था मैंने रखा था यूट्यूबर। ये क्या करेगा, यहाँ रिक्वेस्ट मारेगा। तो चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सही से चले। अब हम क्या करेंगे, जब इस URL के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो ये क्या करेगा, मैं आपको सीधा बताता हूँ। तो ये क्या करेगा, तो ये सबसे पहले चेक करेगा, तो मैं सबसे पहले मुझे यार अपना मॉडल चाहिए होगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कर लो यूट्यूबर। और ये क्या करेगा, सबसे पहले तो चेक करेगा, मैं लिख देता हूँ चेक, चेक इज इक्वल्स टू यूट्यूबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। गेट क्यों यूज करूँ, मैं फिल्टर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यार मैंने वन टू वन फिल्टर यूज किया। तो ये कैट में क्या करेगा, ये कैट में यूट्यूबर यूट्यूबर इस इक्वल्स टू रिक्वेस्ट और यूजर सर्च करेगा, जो मैंने अगर मॉडल्स डॉट पीवाई के अंदर आपको लेके चलूँ, तो यहाँ मैंने जो यूट्यूबर है ना, यहाँ ये चेक करेगा कि इस नाम का कोई यूजर है या नहीं। तो मैं इसे करता हूँ सेव, और मैं करता हूँ इफ चेक, सबसे मैं क्या करता हूँ प्रिंट करता हूँ चेक को, और चेक को मैंने प्रिंट किया। चलता हूँ यहाँ अपने उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये कह रहे हैं यूट्यूबर मैचिंग क्वेरी डिस्टेंस एक्सेस सही से हमारा चल रहा है। तो मैं कहूंगा इफ, मैं लिखूंगा इफ चेक, या फिर ऐसे करता हूँ यार मैं लिखता हूँ इफ नॉट चेक, मतलब अगर यूजर नहीं है तो क्या करो भाई साहब, तो हमें HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करो, यूजर को क्या करो, यूजर को रिटर्न करो भाई साहब HTTP रिस्पॉन्स, जिसमें दो यूट्यूबर यूट्यूबर नॉट फाउंड। सही है, चलता हूँ और फिर से यहाँ क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये कह रहे हैं मैचिंग क्वेरी डिड नॉट एक्सिस्ट। ओके, अच्छा तो मैं फिल्टर ही यूज कर लेता हूँ, फिल्टर से क्या होगा ये मुझे क्वेरी सेट रिटर्न करेगा ना। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कह रहा है यूट्यूब पर नॉट फाउंड। सही से गेट ईयर हमें मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा था, और मुझे पता नहीं क्यों सही नहीं लगा, तो हमने फिल्टर यूज कर लिया। कोई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि यार देखो अगर फिल्टर भी यूज करेंगे तो वो हमें क्वेरी सेट रिटर्न करेगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है। और हम चेक कर लें इफ नॉट चेक, मतलब अगर ये नहीं है तो हमें यूट्यूबर नॉट फाउंड आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा इफ नॉट के बदले यहाँ लिखूंगा इफ चेक, इफ चेक का मतलब अगर यार यूजर है ना भाई साहब, तो क्या करो, तो क्या कर सकते हो, तो यूट्यूबर में क्या करो, एक यूट्यूबर और ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट करो, क्या करो यूट्यूबर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मतलब यूट्यूबर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर नाम का ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर। और मैं लिखूंगा इफ यूट्यूबर, मतलब अगर ये बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट भाई साहब बन गया है, तो क्या करो रिटर्न कर दो, मतलब यूजर को ना रिटर्न कर दो, रिडायरेक्ट कर दो, कहाँ, अपलोड वीडियो वाले पेज पे, अपलोड वीडियो। अगर मैं चलूँ URL.py के अंदर, तो ये देखो ये तो चैनल मैं यहाँ लिख कर देता हूँ अपलोड वीडियो वाले URL पे, सेव करता हूँ, चलता हूँ यहाँ दोबारा बिकम यूट्यूबर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ आ रहा है यूट्यूबर क्रिएटेड, ये क्यों आ रहा है मुझे। ओके, मैं कह रहा हूँ इफ चेक। ओके, तो यार गलती हो गई, मुझे यहाँ लिखना होगा इफ नॉट चेक की, क्योंकि अगर यूजर नहीं एक्सिस्ट करता तभी यार ये मैं चीजें करना चाहता हूँ। अगर यूजर करता है, अगर यूजर है, मतलब अगर यूजर है तो उसे क्या करो रिटर्न कर दो, रिडायरेक्ट कर दो इंटेक्स वाले पेज में। रिफ्रेश करता हूँ, तो यार देखो हमारा यूट्यूबर मतलब यूट्यूबर वाले ऑब्जेक्ट में बन गया मॉडल। अगर मैं फिर से चलो क्या कहते बिकम यूट्यूबर वाले ऑप्शन पे चलता हूँ यार, यहाँ पर
बिकम में यूट्यूबर वाले ऑप्शन पे चलता हूँ फिर से। तो देखो अब ये मुझे रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब यूजर एक बार ही यूट्यूबर बन सकता है। और अपलोड वाली वीडियो अपलोड पे मैं चलता हूँ, वीडियो अपलोड पे, तो यूजर वीडियो वाले अपलोड वाले पे देखो रीडायरेक्ट भी हो रहा है। अगर यार मैं क्या करता हूँ, एडमिन डॉट पी वाई के अंदर ना जो हमारा ये मॉडल है इसे रजिस्टर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इम्पोर्ट कर लो यूट्यूबर, और यहाँ क्या करो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, ऐसे करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, @admin.register, मतलब अपना मॉडल मैं रजिस्टर कर रहा हूँ जो होगा हमारा यूट्यूबर, और क्लास दूंगा इसे यूट्यूबर, क्लास यूट्यूबर होगी हमारी, और इसे मैं दूंगा admin.model admin, और मॉडल एडमिन में क्या करेगा मॉडल एडमिन, और लिस्ट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू, ये क्या करेगा सिर्फ यूट्यूबर शो करेगा। और यार बंद करता हूँ, सेव करता हूँ। अगर अब मैं चलो अपने क्या कहते हैं साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे चलते हैं भाई साहब, साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो ये देखो यूट्यूबर आपका हमारे पास मॉडल आ रहा है, और एडमिन से हम अगर मैं एडमिन से भाई साहब यहाँ लॉगिन था आपको पहले बता दूँ, और एडमिन हमारे यूट्यूबर वाले पे आ रहा है, देखो एडमिन है और हम यहाँ एडमिन से लॉगिन है। अगर मैं चलूँ यार फिर से क्रिएट यूट्यूबर पे, तो मुझे ये मतलब फिर से बनाएगा नहीं ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ ना जाके, तो देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ये हमने फंक्शनैलिटी रखी और हमने देख लिया कि एक यूट्यूबर यूट्यूबर कैसे बन सकता है। अब हम आगे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, मतलब बस आगे क्या करना वो मैं आप मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या फंक्शनैलिटी होगी, बस अभी जो मैंने समझाया आप वही अच्छे से समझो। और अब यार आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।